बोलिए विश्व वंदनीय देवादिदेव खजड़ सी चंदा प्रभु भगवान की जय जय जय। बोले परम पूज श्रमण संस्कृति उन्नायक संत श्रोमणि आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज गुणायतन प्रणेता शंका समाधान प्रवर्तक भावना योग प्रवर्तक प्रखर वक्ता मुनिवर श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनिवर श्री 108 अरह सागर जी महाराज की जय जय जय। सत्य और संस्कृति का सजा ये भव्य वेतान, कदम मिलाकर बढ़ चले धर्म और विज्ञान। बंधो शाश्वत तीर्थराज समेत से करके इस पावन तलहटी पर विश्व का एक ऐसा अनूठा कीर्तिमान स्थापित होने जा रहा है जिसके माध्यम से युगों युगों तक जिन शासन की पताका लहराएगी। बंधो पूज्य मुनिवर प्रमाण सागर जी महाराज की ये अद्भुत परिकल्पना जिसके माध्यम से आने वाली न जाने कितनी पीढ़ियों के माध्यम से जिन शासन की पताका जयवंत रहेगी और बंधो व्यक्ति के अंदर गुणात्मक परिवर्तन होगा। यदि आप अभी तक गुणायतन से नहीं जुड़े हैं तो पारस चैनल जिनवाणी चैनल के माध्यम से जो नंबर चल रहे हैं आप उस पर कॉल करें और गुणायतन से जुड़े ही जितनी भी निर्माणकारी योजनाएं हैं उनसे अवगत होते हुए अपने जीवन में सर्वश्रेष्ठ दान यहां पर लगा करके साथ ही पुण्य का अर्जन करें। बंधुओं जैसा कि आपको विदित है इस वर्ष पूज्य मुनिवर का चातुर्मास गुणायतन को प्राप्त हुआ है। यदि आप अपने परिवार की ओर से प्रतिदिन सांझ धारा में भी नाम उच्चारित कराना चाहते हैं तो अपना नाम प्रेषित कर सकते हैं। अनवरत रूप से एक वर्ष तक सांझ धारा कराने के लिए आप 5,000 रुपए की राशि में अपना नाम प्रेषित 5,00,000 रुपए की राशि में अपना नाम प्रेषित कर सकते हैं। यदि आप एक माह तक सांझ धारा कराना चाहते हैं तो 51,000 रुपए की राशि में अपना नाम प्रेषित कर सकते हैं। और साथ ही आप प्रतिदिन वैवाहिक वर्षगांठ जन्मदिवस या किसी भी विशेष उपलक्ष्य में आप गुणायतन में सांझ धारा करा सकते हैं और साथ ही सह पुण्य का अर्जन कर सकते हैं। बंधुओं आइए अब चलते हम आपको इसी कड़ी से जोड़ते हैं और जिन श्रावक श्रेष्ठियों ने मुख्य मंगल कलश 1,31,000 रुपए की राशि में जिन्होंने रखने का सौभाग्य प्राप्त किया इस चातुर्मास में उनके कुछ नामों की घोषणा मैं आज कर रहा हूं। जो आज एक नाम आया है उनका भी नाम मैं घोषणा कर रहा हूं। जो मुंबई से स्वर्गीय शीतल नाथ जैन, संगीता जैन, संस्कार जैन, अलंकार जैन, समेत जैन, पायल जैन, रिंकन जैन, रिंकल जैन मुंबई निवासी ने एक कलश रखने का सौभाग्य प्राप्त किया। जोरदार कार्तल ध्वनि से स्वागत कीजिए। और नामों की घोषणा कर रहा हूं। जानकी नगर इंदौर से गुणायतन ट्रस्टी श्री दिलीप कुमार, इंदिरा गोधा के सुपौत्र आराध्य के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में। झांसी से गुणायतन ट्रस्टी श्री प्रदीप कुमार, नीरू जैन, अनुपम, अनामिका, आरजव, अनुराग, महिमा, अनर्घ, आरिका, रुचि, राहुल, अक्षत, दिया जैन समस्त परिवार। भोपाल से श्रीमती लक्ष्मी विजय गोधा, श्रीमती मीना विकास गोधा, ऐश्वर्य गौतम गोधा समस्त परिवार। सुजानगढ़ से खेमचंद जी, प्रेमलता जी, मंजू जी, विजय कुमार, रेंजर देवी, सुरेंद्र कुमार, संगीता एवं समस्त बगड़ा परिवार। यूएसए से गुणायतन ट्रस्टी श्रीमती सुषमा जी के धर्मपत्नी स्वर्गीय रमेश चंद जी, पुत्र श्री आशीष जी, मनीष जी, संबुल जी, दियाना जी, किंजल, रोहित, सानिया, मनाली, बोधि जैन समस्त परिवार। छतरपुर से श्रीमती शकुंतला जैन के पुत्र राकेश जैन, सविता जी, सुनील जी, नीलम जी, ऋतिक जी, साक्षी जी, समय, आस्था, हर्ष, सीमा, कुपी परिवार। भोपाल से चौधरी हुकुमचंद, राजीव, संजीव, अक्षत, अजय, रेखा, रजनी, मुस्कान जैन समस्त परिवार। आगरा से श्री विमलेश कुमार जी, श्रीमती उषा जी, नितिन जैन, श्रीमती मेघना जी, आदित्य, अनुष्का जी, मार्सन्स परिवार। चेन्नई से यतेंद्र कुमार, मोहित कुमार, युवराज, युवांत जैन, प्रेमसंस परिवार। गुवाहाटी, दिल्ली, लड़नु प्रवासी श्री नाथमल जी, श्री अशोक कुमार जी, गीता पांड्या, राजकुमार जी, सरिता पांड्या, भागचंद, श्री निर्मल पांड्या, रोमित, प्रियंका, कुशल, एकता, पीयूष, शिखा, अतुल, प्रियंका, शांति, मोनिका, अंकित, अनुज्ञा, युवीर, रानीशा, रणवीर, रिधान समस्त पांड्या परिवार। एक बार जोरदार करतल धनी से इनका स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं। और श्रीमती उषा बेंगलोर से श्रीमती उषा पाटनी, विशाल जैन, श्रीमती सुधा जैन, युवना जी, आहाना जी समस्त परिवार। दिल्ली से श्रीमती चित्रा विजय जी, अनुराग जी, पारुल जी, अर्शिया जी, आरन जैन समस्त परिवार। वारामती, पुणे से डॉक्टर जयप्रकाश, जीवराज साह, डॉक्टर स्नेहा, डॉक्टर श्वेसी, डॉक्टर श्रुति, डॉक्टर निमिस, तविसा, रीति, रूही जैन समस्त परिवार। टूंडला निवासी बेंगलोर प्रवासी श्रीमती सोम प्रभा जी, धर्मपत्नी स्वर्गीय आर के जैन, तरुण जी, ऋचा जी, अजय, शिल्पी सुहानी, सस्मित, मायारा लहर जैन समस्त परिवार। बागी द्वारा बांसवाड़ा से स्वर्गीय कुंकु देवी, सागरमल दोषी, विजेंद्र सागरमल जी दोषी, निकेता दोषी, उद्धव दोषी, कथांश दोषी परिवार।
कोटा से लालचंद जी, महेश कुमार, योगेंद्र जी, जितेश, रोमिल, आलेख जैन समस्त परिवार। कानपुर से अनिल जैन, कल्पना, शुभम जैन समस्त परिवार। पुणे से यतीन्द्र जी, रानी, विवेक, विशाल, विक्रांत, सम्यक, डिंपल, कामिनी, आयुषी, जिया, दृष्टि, वान्या, आन्या जी समस्त परिवार। दिल्ली से श्रीमती पूनम जी, कमल जी, सौम्या, संयम जैन समस्त परिवार। कोलकाता से चैन सुख जी, अशोक जी, हेमा जी, ऋषभ जी, आदित्य जी बढ़ जाते हैं समस्त परिवार। होशंगाबाद से श्री नरेंद्र गोयल, श्रीमती राजश्री गोयल, डॉक्टर नितिन गोयल, नितेश गोयल, प्रियंका गोयल समस्त परिवार। गोलपाड़ा आसाम से माँ अनूप देवी, ग्वालपाड़ा आसाम से माँ अनूप देवी जी, श्री नरेंद्र पाटनी, श्रीमती सीमा पाटनी, अरहंत पाटनी, भावना पाटनी, अभिजीत जी, नेहा, सिद्धार्थ, अयांश ठोलिया। मुंबई से स्वर्गीय प्रकाशचंद जैन, श्रीमती सरला जी जैन, आलोक पी जैन, श्रीमती आरती ए जैन, कुमार आदित्य ए जैन, कुमार आर्यन ए जैन, श्रीमती प्रेमलता जी जैन समस्त परिवार। गाजियाबाद से गुणायतन ट्रस्टी सुशील जी, श्रीमती सुधा जी। दिल्ली से गुणायतन ट्रस्टी श्री प्रदीप जी, श्रीमती अर्चना, रचना जी, निकित जी, सजल जी। दिल्ली से श्रीमती त्रिशला जी, विनय जी, इंदु जी, अनुज जी, अंचल जी, आकाश जी, शीना जैन, पेयरल जैन, अदा जी, विवान जी, कियान जी, अयान जी, वरदान जैन समस्त परिवार। और शेष नामों की घोषणा कल के इसी संघ का समाधान में होगी। और आइए, जिन श्रावक श्रेष्ठियों ने गुणायत एक बार जोरदार करतल ध्वनि से आप इनका स्वागत, वंदन और अभिनंदन कीजिए। और आइए चलते हैं जिन श्रावक श्रेष्ठियों ने गुणायतन से जुड़कर के अपने जीवन में साथ ही पुण्य का अर्जन किया है, ऐसे नामों की उद्घोषणा करने के लिए बड़े ही सम्मान के साथ बुलाना चाहूंगा। आगे के घोषणा और साथ ही आगे के संघ का समाधान के विशेष सत्र के संचालन के लिए बुलाना चाहूंगा आदरणीय सुदर्शन पंडित जी। घोषणाओं से आपको अवगत कराऊं, उसके पश्चात गुरुदेव के श्री चरणों से आपको जोड़ूंगा। संस्थापक सदस्य के रूप में आज अपने जीवन को जोड़कर के धन्य किया डॉक्टर क्रीट शाह, रागनी शाह, अल्पा शाह, केतन शाह, रचिता शाह, श्री शाह, रेणुका शाह, कैलिफोर्निया ने, यूएसए से बहुत बहुत साधुवाद। श्रद्धा के रूप में श्री दिनेश कुमार जी पाटनी, सर्वेश जी पाटनी, अखिलेश जी पाटनी कोलकाता से जुड़ करके अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं, बहुत बहुत साधुवाद। निर्माण जी के रूप में अपने आप को जोड़ करके अपने जीवन को धन्य किया है श्रीमती कांता बीसी जैन एंड फैमिली इंदौर, बंटी अशोक लाल पोपली धुले, श्री दिनेश कुमार जैन, श्रीमती अनिता जैन, श्री श्रीनगर जम्मू कश्मीर, बिरल हितेश दोषी, हितेश जयसुखलाल दोषी राजकोट, भानुमति रमेश चंद सेठ धोरा जी, स्वर्गीय छाया संपद राय जैन की स्मृति में श्री सुबोध ममता जैन परिवार जबलपुर, भावेश रमेश जैन मुंबई, श्री प्रिपुण कुमार जैन मिगलानी मुंबई, धर्मेंद्र सराफ वसुदा साहब जी दमोह से इन्होंने अपने आप को जुड़ करके धन्य किया है, बहुत बहुत साधुवाद। आज मंदिर निर्माण के लिए अपनी तंत्र राशि का उपयोग किया है स्वर्गीय कमल कुमार जी की स्मृति में श्री भोलानाथ जी, विमल कुमार जी, श्रीमती हेमा देवी जैन, चंद्रकांत जैन सिंह परिवार मॉडल टाउन दिल्ली ने 1 लाख रुपए की राशि प्रदान करके मंदिर निर्माण, आप तानिया में जाकर इनका अनुमोदन तो कीजिए। और जीवदया के लिए 21,000 राशि प्रदान करके श्री नरेंद्र कुमार जी जैन, श्रीमती सुदेश रानी जैन, पुत्र श्री विपिन जी जैन, पुत्र मधु श्रीमती संगीता जैन, पौत्र अभिषेक जैन आदि ने दुर्गापुर दिल्ली से अपने आप को गौरवान्वित किया है। साथ ही मंदिर निर्माण के लिए 11,000 की राशि प्रदान करके श्री अदिति जी, सायली जी, बन्ना जी, सुरेश जी, झांझरी एवं समस्त परिवार रामपुर ने अपने आप को गौरवान्वित किया है, साधुवाद। श्री राजकुमार जी, कमला जी ठोलिया मोरे ही इम्फाल, इन्होंने भी मंदिर निर्माण के लिए 11,000 की राशि प्रदान करके अपने स्वभाव को समर्पित किया है, बहुत बहुत साधुवाद। मैं आप सबको गुरुदेव के श्री चरणों से जोड़ूं इस भाव से कि आज हम पुनः गुरुदेव साक्षात अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त करके जीवन धन्य करें। मैं चाहता हूं कि हम सब गुरुदेव के आशीर्वाद से अपने आप को अभिषिक करें, आच्छादित करें, मेरे साथ उच्चारें, नमोस् तुम्हारा श्री, नमोस् तुम्हारा श्री, नमोस् तुम्हारा श्री। प्रथम प्रश्न के लिए बुलाऊं उसके पूर्व हमारे बीच में आज डॉक्टर राजीव जी जैन चौधरी साहब, अध्यक्ष दिगंबन समाज विदिशा ट्रस्टी गुणायतन उपस्थित हैं, वे आए गुरु वंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें, उनका सम्मान करके गुणायतन के गौरव को संवर्धित करेंगे। डॉक्टर श्रीमान एनएल जैन साहब कोषाध्यक्ष गुणायतन, सुभाष जी सीईओ गुणायतन, वे इनका सम्मान करके गौरव को संबोधित करेंगे गुणायतन के। डॉक्टर एस के पाटोदी साहब अजमेर से हमारे बीच में हैं, जो गुणायतन ट्रस्टी हैं, वे भी आए, उनका भी सम्मान करके हम हर्षित होंगे। श्रीमान सुभाष जी, इनका भी सम्मान करके डॉक्टर एस के पाटोदी साहब अजमेर। साथ ही श्रीमान हरीश जी जैन कागजी दिल्ली से ट्रस्टी गुणायतन, इनके सम्मान करने के लिए श्रीमान राजकुमार जी,
काला साहब आए और सम्मान करके गुणानंदन के गौरव को संवर्धित करें। और आज एक ऐसा परिवार बड़ू जी का जो ट्रस्टी गुणायतन है, जिन्हें अपने बेटे का उपनयन संस्कार करवाया गुरुदेव के करकमलों से, वे मंत्र में आए गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। इनके बेटे मुनीष जैन ने, जिसका उपनयन संस्कार हुआ है, इसने अभी तक संचित अपनी 2100 की राशि गुणानंदन को प्रदान करके अपने जीवन को अभी से इतनी छोटी सी उम्र से धन्य किया है। बहुत बहुत साधु आ जाए। श्रीमान बरुआ जी अपने परिवार के साथ आए। और पहले प्रश्न के लिए मैं सम्मान करने के लिए श्रीमती चंद्रका जी पाटनी इस बेटे को अपनी सम्मान करके इस बेटे को आशीर्वाद प्रदान करें। और पहले प्रश्न के लिए श्रीमान एस के परदोई साहब उपस्थित हों, उसके बाद में कुछ ऑनलाइन प्रश्नों को लूंगा, उसके पश्चात पुनः आप सबसे संबद्ध होऊंगा। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन वंदन, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, एक प्रश्न मेरा है और एक प्रश्न सेवायतन के उपाध्यक्ष श्री प्रकाश जी पाटनी का अजमेर से है। गुरुदेव, प्रकाश जी पाटनी नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना प्रश्न पूछ रहे हैं कि बोलने के अवसर पर चुप रहना और चुप रहने के अवसर पर बोलना क्या मानसिक दुर्बलता का प्रदर्शित करता है? यदि हाँ तो इस दुर्बलता को भावना योग के माध्यम से किस प्रकार दूर कर सकते हैं? कृपया समाधान करें। बोलने के समय पर चुप रहना और चुप रहने के अवसर पर बोलना, ये व्यक्ति के अनुभवहीनता का द्योतक है। औचित्य ज्ञान से शून्यता का प्रतीक है। जो व्यक्ति अनुभव संपन्न होते हैं, जिन्हें औचित्य का बोध होता है, वे तभी बोलते हैं जब बोलना है और तभी चुप रहते हैं जब चुप रहना है। भावना योग से आपने पूछा इस दुर्बलता को कैसे दूर करें, तो उसके लिए अगर एक बार 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 दोहराई जाए तो काफ़ी हद तक लाभ मिल सकता है। मुझे सही बोलना है, सुंदर बोलना है, सही बोलना है, सुंदर बोलना है, समय पर बोलना है, सही बोलना है, सुंदर बोलना है, समय पर बोलना है, सही बोलना है, सुंदर बोलना है, समय पर बोलना है, निश्चित इसका लाभ मिलेगा। नमोस्तु गुरुदेव। अपना गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है, प्रायः हम गुस्से के बारे में कई प्रकार की नकारात्मक कोटेशंस पढ़ते हैं। कुछ कोटेशंस इन दिनों में मेरे देखने में आए हैं, वो मैं निवेदित करना चाहता हूँ। गुस्सा करना दूसरे की गलती की सजा स्वयं को देना है। दूसरा है, अपने गुस्से को व्यक्त करना सीखिए, लोग कभी आपके गुस्से पर नाराज नहीं होंगे। गुरुदेव, क्या दोनों बातें सही है? पहला वाक्य आपने कहा, गुस्सा करना दूसरे की गलती की सजा स्वयं को देना है। हाँ, देखिए इस तरह के जो वाक्य हैं, इसे विधेयात्मक वाक्य नहीं कहा जा सकता जी, पर यह गुस्से के प्रति जागरूकता के लिए एक प्रेरणा का निमित्त बन सकता है। पर इससे बेहतर यदि हम सच में गुस्से से अपने आप को बचाना चाहते हैं, तो गुस्सा शब्द का प्रयोग करने की जगह क्षमा और शांति जैसे शब्दों को दोहराए। हम जिस भी दुर्बलता के शिकार हैं, यदि उस दुर्बलता का हम नामोच्चार भी करते हैं, तो उसका असर हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर पड़ता है और वह हमारे चित्त को नकारात्मक दिशा में मोड़ देता है। हमें जब गुस्सा करना ही नहीं है तो गुस्सा की बात क्यों? एक कहावत है हमारे देश में बड़ी पुरानी, जिस गांव में जाना ही नहीं उसका रास्ता पूछने का क्या काम, जिस गांव में जाना ही नहीं उसका रास्ता पूछने का क्या काम। अगर आपको गुस्सा करना ही नहीं तो गुस्सा का नाम लेने का क्या काम। मुझे शांत रहना है, मुझे सहज रहना है, मुझे क्षमा रखना है, मुझे सहन करना है। ऐसे विधेयात्मक वाक्यों को आप बार बार दोहराने में यदि समर्थ हो जाए, तो मैं समझता हूं गुस्से पर काफी हद तक नियंत्रण हो सकता है। नमोस्तु महाराज जी, आपके आज्ञा से कुछ ऑनलाइन प्रश्न में लेना चाह रहा हूँ। 10 मिनट जी। नितिन जैन बिनौली बागपत से आपके श्री चरणों में नमन अर्पित करते हुए जाना। आज बहुत दिन बाद ऑनलाइन वालों का नंबर आया है, ऐसी व्यवस्था बनाइए कितनी भी व्यस्तता हो
10 मिनट ऑनलाइन का सत्र अवश्य रखें जी। चलिए हाँ, महाराज श्री नितिन जी जैन बिनौली बागपत से जानना चाहते हैं कि गुरुदेव किसी ने क्या खूब कहा है कि अनुभव उधार नहीं लिया जा सकते, तो महाराज श्री मेरी शंका यह है कि अनुभव कैसे लें कि जब भी अनुभव लें तो वे अनुभव ऐसे हों जो हमारे बाद दूसरों के जीवन को आगे बढ़ाने में हमेशा काम आते रहें, कृपया समाधान कीजिए। देखिए बात बहुत सही है, अनुभव उधार नहीं लिए जा सकते, अनुभव हम स्वयं अर्जित करते हैं। अनुभव का पाठ कौन पढ़ सकता है? जो अपने जीवन को बहुत निकटता से देखता है। हर व्यक्ति जीवन जीते हैं, लेकिन हर व्यक्ति अपने जीवन के हर पल से किसी अनुभव का पाठ पढ़े ही, ये कोई जरूरी नहीं। जैसे कोई एक व्यक्ति बगीचे में गया, फूल उसके हाथ लगा, सूंघा और फेंक दिया, दूसरे ने उन फूलों की माला गुथी, कुछ पल तक अपने गले में डाला, फिर अलग कर दिया, पर तीसरे ने उस फूल का अर्क निकाल कर उसका इत्र बना लिया, एक शीशी में भर लिया, जब जी आया उसके सुवास से अपने मन को आनंद से भर लिया। आप किसे अच्छा मानोगे? किसे मानोगे, पहले को, दूसरे को या तीसरे को? हमारे जीवन में घटने घटने वाली घटनाओं को हम किस रूप में लेते हैं? ज्यादातर लोग फूल की तरह सूंघ कर छोड़ देते हैं, घटना को घटना की तरह जीते हैं और भूल जाते हैं। कुछ लोग हैं जो उन घटनाओं को अपनी स्मृति में एक माला की तरह कुछ काल तक पिरोए रखते हैं, फिर उसे भी छोड़ देते हैं। लेकिन बिरले लोग हैं जो उस घटना का अर्क निकालते हैं और उसका इत्र बनाते हैं। ऐसे ही लोग अनुभवी व्यक्तियों की श्रेणी में आते हैं। हर घटना को निकटता से देखो, उसे समझो और उसके सार को आत्मसात करो। मुझसे लोग कहते हैं, महाराज जी आप इतनी सारी घटनाएं कैसे सुना देते हैं, इतने सारे लोगों की बातें आपके मानस में कैसे रहती है, कब किस व्यक्ति ने आपसे क्या बात की और आप उसके जीवन की बातों को हम लोगों के बीच में कैसे रख देते हैं? भैया मैं तो एक ही विधि जानता हूं, वो इत्र बनाने की है। फूल सूंघना और माला पहनना मैं पसंद नहीं करता। आप भी ये बात लाइए, जो मनुष्य अनुभवी होता है वो अपने जीवन की हर घटना से सार निकालने में समर्थ होता है, न केवल स्वयं के अपितु औरों से भी बहुत कुछ सीख सकता है। इसलिए हम अपनी दिशा तय करें ताकि जीवन को पवित्र बनाया जा सके। महाराज श्री मराठा टाउन दिल्ली से गुणातन के कार्याध्यक्ष श्रीमान एनसी जैन साहब, आपके चरणों में नमन अर्पित करते हुए जानना चाहते हैं कि गुरुदेव सजावट, मिलावट, बनावट और दिखावट, इन चार चीजों से जीवन में गिरावट आई है, गुरुदेव ऐसा क्या करें कि जिससे गिरावट मुस्कुराहट बदल जाए? सजावट, बनावट, दिखावट और मिलावट, मिलावट से गिरावट आई है, ऐसा क्या करें कि जीवन मुस्कुराहट में बदल जाए। देखिए बात सही है, सजावट, दिखावट, बनावट, मिलावट, ये जब तक होगा, ऐसी चीजें बनी रहेगी तो हमारी मुस्कुराहट तो गोल होगी ही होगी। काश व्यक्ति को अंदर की आहट का आभास हो जाए तो सब कुछ खत्म हो जाए, हर पल मुस्कुराहट छा जाए। हम बाकी चीजों को देखते हैं, अंतःचेतना की आहट को क्यों नहीं पहचानते? हर व्यक्ति जो दोयम स्तर का जीवन जीता है, जो दोहरापन अपनाता है, उसकी अंतरात्मा उसे कहीं ना कहीं बोलती है ये गलत है, लेकिन लोग उसे अनसुना करते हैं, इसलिए जीवन में एक कृत्रिमता छा जाती है। काश हम उस आहट को समझें तो फिर गिरावट नहीं केवल मुस्कुराहट होगी। गुरुदेव आरती जी जैन हाँ जबलपुर से आपके चरणों में नमन अर्पित कर जानना चाहती हैं कि गुरुदेव अभी हम सब देख रहे हैं
कि कितने लोगों की मृत्यु हो रही है। इसमें बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो बहुत अच्छे सच्चे धार्मिक दयालु हैं थे, फिर भी उनकी जान गई। और कई लोग ऐसे भी हैं जो पापी हैं, अधार्मिक हैं, बुरा करने वाले हैं, फिर भी उनकी जान बच गई। तो अच्छे लोग जिनके घर वालों की जान चली गई, क्या वे अच्छाई छोड़ दें? जान बचाने के लिए उन्हें भी बुरा बन जाना चाहिए, क्योंकि बुरे लोगों के पास उम्र भी ज़्यादा है और पैसे भी, और अच्छाई करके मिलता भी क्या है? भगवान तो सुनते ही नहीं है। गुरुदेव समाधान। देखिए बात अंदर की व्यथा है, पर यह व्यथा तभी तक है जब तक हम अपने जीवन की वास्तविकता को न समझे। जो लोग अपने जीवन की वास्तविकता को समझ लेते हैं, उनकी मन की व्यथा अपने आप समाप्त हो जाती है। आपने दो बात कही, बहुत सारे अच्छे लोग चले गए, बुरे लोग टिके रहे। और आपने कहा क्या अपनी जान बचाने के लिए हम अच्छे काम छोड़ के बुरा काम करने लगे? यदि बुरे लोग दुनिया में अमर दिखते हों तो हो सकता आपकी बात सही हो, पर क्या बुरे लोग नहीं मरते? हाँ, अंतर केवल इतना होता है कि अच्छे आदमी मरते हैं तो हर व्यक्ति के मन में उस व्यक्ति के प्रति सहानुभूति होती है, और बुरा आदमी अगर इस दुनिया से जाता है तो सब सोचते हैं चलो धरती का बोझ मिटा। इतना ही अंतर है ना। तय करो मुझे इस दुनिया से कैसे जाना है। सच्चा बन करके जाओगे, अच्छा बनकर जाओगे, तो जाने के बाद भी, मरने के बाद भी अमर बन जाओगे, और बुरा बनकर जाओगे तो दुनिया में याद नहीं किए जाओगे। नोबल बंधु जिन्होंने नोबल पुरस्कार स्थापित किया, क्या नाम था नोबल का? दो भाई थे ना, अल्फ्रेड नोबल। वो डायनामाइट का आविष्कारक था। उसके मन में एक बार विचार आया कि मेरे मरने के बाद लोग मेरे विषय में क्या सोचेंगे। उसने एक झूठी खबर फैला दी कि अल्फ्रेड नोबल मर गया, अल्फ्रेड नोबल मर गया। ये खबर जैसी बाहर आई, अखबार की सुर्खियां बनी, मौत का सौदागर हमेशा के लिए सो गया। मौत का सौदागर हमेशा के लिए सो गया। जब अखबारों में ये खबर अल्फ्रेड नोबल ने पढ़ी तो अंदर से हिल गया, धिक्कार है मुझे, इस दुनिया से जाने के बाद लोग मुझे इस नाम से जानेंगे कि मैं मौत का सौदागर हूं? नहीं, मुझे कुछ अच्छा करना चाहिए। और तब उसने अपनी संपत्ति लगाकर शांति का काम करने के उद्देश्य से नोबल पुरस्कार स्थापित किया। तो मरने से बचने के लिए बुरा काम करने की जगह अच्छा काम करके मर करके भी अमर होने का रास्ता चुन लीजिए। दूसरी बात, अच्छे आदमी क्यों मरते हैं? अच्छे आदमियों के साथ आपत्तियां क्यों आती? हर युग में आती। आपने तो हो सकता है अपने जीवन में कुछ बुरा काम किया भी होगा, पिछले जीवन की बात छोड़ो, इस जीवन में भी कुछ ना कुछ किया होगा। लेकिन हमारे शास्त्रों में तो ऐसा उल्लेख आता है कि तीर्थंकरों के तीर्थ काल में भी खुद तीर्थंकरों के ऊपर उपसर्ग हुए, और हमारे प्रत्येक तीर्थंकर के तीर्थ काल में 10 मुनिराज ऐसे होते हैं जो अनुत्तरोपादिक होते हैं, और 10 ऐसे होते हैं जो अंतकृत केवली होते हैं। हर तीर्थंकर के तीर्थ काल में ऐसे 20 मुनि महाराज, कोई छोटे मोटे व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं, किन की बात कर रहा हूं? मुनि महाराज की। और पंचम काल की बात नहीं कर रहा हूं, कौन से काल की बात कर रहा हूं? तीर्थंकरों के काल की बात कर रहा हूं। चौथे काल में ऐसे मुनिराज होते हैं जो भयानक उपसर्ग उन पर होता है, और उपसर्गाविष्ट अवस्था में अकाल में मरते हैं और अनुत्तर विमानों में उत्पन्न होते हैं, जहां से एक भाव बाद उनको मोक्ष जाने को मिले, एक या दो भाव।
और 10 मुनिराज ऐसे हुए हैं हमारे 24 के 24 तीर्थंकरों के काल में, जिन्होंने भयानक उपसर्ग सार उसी उपसर्ग अविष्ट अवस्था में आत्म ध्यान में लीन होकर केवल ज्ञान किए और मोक्ष पा गए। गुरुदत्त आदि पंचमुनि राज जो आपके द्रोणगिरी से मोक्ष गए, भयानक उपसर्ग से गए, ये अंतकृत केवली होते हैं। तो मृत्यु अगर किसी की होती है तो इसे एक संयोग मानो, घबराओ मत। तुम्हारी आयु जिस निमित्त से पूरी होनी होगी कोई रोक नहीं सकता। अमर बनकर कोई आया नहीं है, मरने से कभी डरना मत। एक वाक्य अपने अंतस में स्थापित कर लो, नमे मृत्यु कुतो भीति, नमे व्याधि कुतो व्यथा। ना हम बालो न वृद्धो हम न युवे तानि पुद्गले। जब मेरी मृत्यु है ही नहीं तो डर किसका। ध्यान रखना, आत्मा कभी नहीं मरती, केवल देह बदलती है, देह का परिवर्तन होता है, शरीर बदलता है, जो बदलना है बदलेगा। ये ऊपर का चोला है, जब बदलना होगा बदलेगा, इसे कोई रोक नहीं सकता। दृष्टि उस पर रखो और उसे संभालने का सुयत्न करो, क्योंकि वही तुम्हारा है और वही तुम हो। अगर इन सब मोह माया में फंसकर अपने स्वरूप को बिगाड़ लिए तो तुम्हारे जीवन में इससे बड़ा और कोई नहीं होगा। इसलिए सतत सावधान रहते हुए अपनी जीवन की दिशा तय करें। आदित्य जी जैन केसरी से उपस्थित हों, उसके पूर्व महाश्री जोधपुर से सुभाष जी ने एक छोटा सा प्रश्न पूछा है, क्या कर्म के प्रभाव गहरे होते हैं? कर्म के प्रभाव गहरे होते हैं, बहुत गहरे होते हैं, पत्थर की लकीर से भी गहरे होते हैं। अब फिर कभी इस पर विस्तार से बताऊंगा। आदित्य जैन उपस्थित हों प्रत्यक्षतः समाधान प्राप्त करने के लिए केसरी से, और तैयार हैं स्वदेश जैन गैरतगंज से सीमा जी के संग। हेलो महाराज जी, मेरा और मेरे परिवार की ओर से बारंबार नमस्कार। महाराज जी, आज वाणी और शरीर की अपेक्षा कई गुने पाप हम मन से करते हैं, और वाचनिक और शारीरिक चेष्टाओं को चाहे कुछ क्षण के लिए विराम भी मिल जाए, परंतु मन की किसी भी अवस्था को किसी भी समय एक क्षण के लिए भी विराम नहीं मिलता। और मैं देखता हूँ कि मन से पाप हो जाते हैं, शरीर से या वचन से फिर भी अपन सोच लेते कि नहीं हो। तो महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि उस मन को भी कैसे दृढ़ बनाए कि वो भी पाप की ओर ना जाए। नमस्ते। देखो, मन से पाप होता है और हमें उसके प्रति सजग होना चाहिए, लेकिन ये सोचकर, एक बार एक युवक ने मुझसे कहा कि महाराज जी, हमारे यहां कहा गया है कि पाप का भाव हो गया तो पाप तो लग ही गया, और जब पाप का भाव हो गया, पाप लग गया, तो पाप करे ही लो, फिर मजे ही चख लो, है ना। हमने कहा भाई, ऐसी गलती मत करना। क्यों? पाप को जिस स्तर पर रोक सको वहां रोको। मन में पाप आया है ना, तो उसको एकदम जन्म स्थल पर ही वहीं रोक दो। समारंभ है, समारंभ है, आरंभ है। मन में पाप का भाव आना समारंभ है, उसके योग सामग्री जुटाना समारंभ है, और मन में वो पाप प्रकट हो जाना आरंभ है। उसको जहां रोक सको वहां रोको। कदाचित मन में नहीं रोक पाओ तो वचनों में रोको, वचन में नहीं रोक पाओ तो शरीर में रोको, उसे शरीर पे ना आने दो। तो पाप को जिस स्तर पर रोक पाओगे उतनी शीघ्रता से पापों से बच पाओगे। पहली बार तो हमें उस स्तर पर पाप को रोकने का यत्न करना चाहिए। हाँ, अब मन में पाप आया है तो उसके लिए क्या करें? अपनी निंदा करो, अपनी आलोचना करो, और धिक्कारो अपने मन को कि मैंने ये पाप किया, अब इसकी पुनरावृत्ति नहीं करूंगा। बार बार आए तो स्वयं को कुछ दंडित करो, तो इससे हमारा पाप शाप होता है,
मन के पाप निंदा आलोचना से दूर होते हैं, उसके लिए बड़ा प्रायश्चित नहीं है, पर जब वही मन वाणी और शरीर में आ जाता है तो विशेष दंडनीय हो जाता है। तो मन में अगर आता है, मन को इधर उधर बदलो, अपने आप को धिक्कार दो तो काम ठीक हो सकता। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है, जब अरिहंत परमेश का जैसे मोक्ष हो जाता है तो उनके नख और केश वहीं पर रह जाते हैं, तो प्रतिमा में केश क्यों बताए जाते हैं? भैया केवल ज्ञान के बाद केश रहता है, निर्वाण के बाद केश बचता है। भगवान के केस नहीं होते तो आखिरी में बचता कैसे, ये बताओ। मोक्ष किसको होता है? अरहंत भगवान को होता है ना, बोलो। हाँ। तो उनके केस थे तो बचे कि केस नहीं थे तो बचे? नहीं, केस थे। तो हम सिद्ध की भगवान की प्रतिमा विराज है कि अरहंत की? बोलो, अरहंत भगवान की। अरहंत की ना, तो उनके केस थे कि नहीं थे? हाँ। फिर सवाल कहाँ? चलिए एक बात ध्यान रखना, केवल ज्ञान के उपरांत नख और केश रहते हैं, पर वो जिस साइज में रहते हैं उतने ही रहते, ना बढ़ते ना घटते। केवल ज्ञान के पहले तो केश बढ़ते भी हैं, नख भी बढ़ते हैं, उनको केशलुच करना होता है, पर केवल ज्ञान के बाद, ये केवल ज्ञान के अच्छे हैं। मिथस्थित नखांगज, नख और केश जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। समझ गए? उपस्थित हूँ श्रीमती कनकी जैन किशनगढ़ से। तैयार हैं डॉक्टर राजीव जी चौधरी, सकल दिगम जैन समाध्यक्ष विदिशा टेस्टी गुणायतन। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मेरे पूरे परिवार का नमोस्तु। महाराज जी मेरी ये शंका है कि हम लोग अक्सर हरी चीज छोड़ते हैं, तो हरी चीज के अंदर जैसे नारियल गीला होता है, डाब होती है, कच्चा केला होता है, पक्का केला होता है, हरी मिर्ची में पांच तरह की छह तरह की मिर्ची होती है, काचरा होता है, तो किस तरह से काउंट करके हम लोग उसका त्याग करें और कैसे गिनती करनी चाहिए, इस चीज का हमें शंका करिए। हरी का त्याग किया है तो टमाटर लाल है, खा लो। हाँ, तो कैसे होना चाहिए? केला सफेद है तो खा लो। दरअसल हरी का त्याग नहीं, ककड़ी भी वनस्पति का त्याग। जो हरी वनस्पतियां हैं, जितनी भी साग भाजी सब्जियां हैं, फल है, उनका त्याग होना चाहिए। समझ गए? उसमें मिर्ची भी आएगी, सूखी मिर्ची चलेगी, सूखी चीजें चलेगी, लेकिन जो अभी गीली है, हरी के त्याग का तात्पर्य उनसे है। अब रहा सवाल डाब का पानी, कई लोग डाब के पानी को अचित्त मानकर उसे हरी में अंतर्गर्भित नहीं करते और वो हरी के त्याग के दिन भी डाब का पानी लेते हैं, और कई लोग डाब के पानी को हरी के अंतर्गत लेते हैं। पर डाब का पानी है तो अचित्त ही, क्योंकि वो जल प्राशुक है, उसे सचित्त नहीं मानना। आइए डॉक्टर राजीव जी चौधरी, और तैयार रहे श्रीमती सरोजी जैन सलामतपुर। नमोस्तु 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 महाराज जी। महाराज जी मेरा प्रश्न समाज को लेकर है। मैं जब से अध्यक्ष बना हूँ, मैं समाज की ओर मुख करके देखता हूँ तो पाता हूँ कि जो लोग मंदिर जा रहे हैं, जो धार्मिक कार्यों में हैं, जो पूजा पाठ कर रहे हैं, वो तो समाज से बहुत सक्रिय रूप से बल्कि अच्छे से जुड़े हुए हैं, लेकिन एक समाज का ऐसा तबका जो कि जैन समाज का भविष्य है, हमारा युवा वर्ग और हमारे बच्चे जो बाहर पढ़ रहे हैं, हाईली एजुकेटेड हो रहे हैं, वो समाज से दिन प्रतिदिन कटते जा रहे हैं। हम समाज के पदाधिकारी होने के नाते और समाज के जो यहाँ जितने जिम्मेदार पेरेंट्स बैठे हुए हैं, उनके लिए क्या संदेश है आपका? देखिए एक बहुत बड़ी समस्या है और आए दिन ये सवाल उठता है, खड़े रहे आप थोड़ी देर। इसका एक ही सॉल्यूशन है, उच्च शिक्षा के लिए बच्चों को बाहर जाना आज समय की आवश्यकता हो गई, और अब तो स्कूली शिक्षा से ही बच्चे बाहर चले जाते हैं, और जब बाहर जाते हैं तो उनके संस्कार और सरोकार सब छूट जाते हैं। मैं कहूँ कि भेजना बंद कर दो तो मैं समझता हूँ ये बात किसी को पचेगी नहीं, अब व्यवहारिक भी नहीं।
शिक्षा जरूरी है, जीवन के विकास के लिए आवश्यक भी। तो क्या करें? इसका एक दूसरा रास्ता है, हम जब भी उन्हें बाहर भेजें, गुरुओं के समक्ष ले जाकर कुछ संकल्पों से बांधें, उन्हें उनके जीवन की मर्यादा का बोध कराएं, फिर इसके साथ जब उनकी पढ़ाई पूरी हो जाए तो कायदे से लड़कों को मुनियों के पास और युवतियों को आरिकाओं के पास एक आध साल रहना चाहिए, और यदि ये संभव नहीं है तो उनके लिए कुछ विशेष कार्यशाला, कुछ वर्कशॉप करना चाहिए, जिससे उन्हें धर्म के आधारभूत बातें समझ में आ सके। वे धार्मिक होते अधर्मी नहीं होते, पर उनको समझ नहीं होती और वो रिचुअल में ज्यादा रस नहीं लेते। तो हमें क्या करना चाहिए? रिचुअल से स्पिरिचुअल की ओर मोड़ना चाहिए। जब हम उनको अध्यात्म के साथ प्रेरित करें तो बहुत जल्दी आकर्षित होंगे। आजकल लोग क्या करते हैं, बच्चों की पढ़ाई हुई तुरंत जॉब तलाशते हैं और जॉब के बाद फिर जोक बनाते हैं और उनको मान देते हैं, पर ये जो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है उसे भूल जाते हैं। पढ़ाई पूरी हो बेटा ठीक है, जब तक जॉब लगेगी चलो गुरुओं के पास चलो और धर्म का पाठ सीखो, जिससे तुम्हारे जीवन का निर्माण हो सके, तुम अच्छा जीवन जी सको, ये प्रयास होना चाहिए। ऐसे बहुत बड़ा बदलाव होता है। हमने अनेक कैंप कराए, एक्ट प्रोग्राम पहले चलाते थे, उसमें युवक आए, उनमें बड़ा बदलाव हुआ। भावना योग में भी बहुत सारे युवक आए, उनने भावना योग करना शुरू किया, उनमें बहुत बड़ा बदलाव आया। लोग चीजों को समझते हैं तो बदलाव आता है। उनको हमें थोपने से काम नहीं होगा, यदि हम उन्हें वैज्ञानिक तरीके से बातें समझाएंगे तो सहज ग्राह। श्रीमती सरोजी जैन और तैयार हैं सुसाविका श्रीमती चंद्रकाजी पाटनी रांची से ट्रस्टी गुणायतन। दो मुनिवर के चरणों में सलामतपुर ग्राम का, मेरा, मेरे परिवार का और प्राणी मात्र का कोटि कोटि नमोस्तु 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 महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न आहारचर्या से संबंधित है। मैं जब भी चौका लगते हैं या लगाती हूँ तो पूरे तन मन से सहयोग करती हूँ और महाराज जी हर समय ये भावना भाती हूँ कि महाराज जी के आहार निर्विघ्न निरंतर आए हों। लेकिन महाराज जी जब आहार देने का समय आता है तो मुझे मात्र या तो एक ग्रास आहार देने का या मात्र जल देने का और कभी कभी तो केवल हाथ लगाने का ही सौभाग्य प्राप्त होता है। तो महाराज जी मेरा ये प्रश्न है, मन में ये भावना उठती है कि मेरा कितना तीव्र पाप कर्म का उदय है या मेरा क्षीण पुण्य है या मेरा पाप कर्म का उदय या अंतराय कर्म का उदय है। महाराज जी मेरी शंका का आपका महान पुण्य का उदय है कि आपके हाथ से तैयार आहार साधुओं के हाथ में जा रहा है। कितने विरल लोग हैं जिनके अंदर ऐसा भाव होता है और जिन्हें ऐसी सुविधा मिलती है, बहुत विरल लोग, समझ गए। इसलिए से पापोदय मत मानो, पापोदय तो उनका है जिनके पास अनुकूलता होते हुए भी देने के भाव नहीं हो रहे। पापोदय तो उनका है जो चाह करके भी कुछ कर नहीं पा रहे। आप कम से कम कर तो रही हो, इसलिए नकारात्मकता से अपने आप को बचा के रखें। उपस्थित श्रीमती तैयार है एक सवाल प्रमाणिक समूह वॉलंटियर गाजियाबाद से अर्पणा जी जैन। नमस्ते गुरुदेव, मेरा प्रश्न तो नहीं है लेकिन भावना योग के बारे में मेरा एक अनुभव है कि हमारा एक माजी थी, उनको कैंसर हुआ तो वो भावना योग पढ़ती थी, मेरे से सुनती थी कि मुझे पढ़ के सुनाओ। तब मुझे पता चला कि उनको कैंसर है और मैंने उसकी एक एक लाइन का अर्थ समझाया तो उन्होंने बहुत अच्छे से अपनी समाधि की उसके माध्यम। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं कहूँगा आपने बहुत अच्छा किया उनको सुनाया, लेकिन भावना योग वो नहीं है जो आपने सुना है। आपने तो केवल मंगल भावना सुनाई हो। नहीं नहीं नहीं, पूरा भावना योग बताते थे कि हे प्रभु। हाँ, तो सुबह से तो पूरा एक एक लाइन का समझाया और क्षमा मांगी, मतलब किस तरह हम क्षमा मांगते हैं। नमोस्तु महाराज श्री। जब कोई इंसान किसी से बहुत ज्यादा प्यार करता है तो उसे रोज लड़ता है और जब उसके एक आंसू भी देख लेता है तो पूरी दुनिया से लड़ लेता है, तो ऐसा क्यों? बहुत अनुभव की बात है ना। कोई इंसान किसी के प्रति प्यार करता है, लगाव रखता है, तो उसे रोज लड़ता है।
और कभी उसकी एक आंसू भी देख ले तो सारी दुनिया से लड़ता है। इसी का नाम है प्रेम, इसी का नाम है राग। मैत्री शरण गुप्त की ये पंक्तियां बहुत सार्थक है। उन्होंने लिखा, वही दूर जाता है जो पास होता है, वही दूर जाता है जो पास होता है, और क्रोध आता है उस पर जिससे कुछ नाता है। क्रोध आता है उस पर जिससे कुछ नाता है, जिससे नाता होगा क्रोध तो उसी पे आएगा। तो ये जो आपस की नोक झोंक है ना, ये प्यार की लड़ाई है। मियां बीवी में यही तो होता है, मुझे नहीं मालूम उसमें प्यार होता है कि नहीं, यह आप लोग जाने, लेकिन ये स्वाभाविक है क्योंकि प्रेम अधिकार चाहता है। इसलिए आपस में यदि कुछ होता है तो इसे सहज और स्वाभाविक रूप में देखना चाहिए, लेकिन जो हृदय में बसता है उसके विरुद्ध कोई कुछ सुन भी नहीं पाता, और इसीलिए सामने वाले की एक आंसू की बूंद देखकर सारी दुनिया से लड़ने को तैयार हो जाता है। यही प्रेम, यही रागानुवाद। आई अर्पणा जी जन आज आवाज से प्रोफेसर की वॉलंटियर, उनका सम्मान करने के लिए प्रति बहन शकुन दीदी, उनके सम्मान करें और भी अपना प्रश्न प्रस्तुत करके समाधान प्राप्त करें। साथ में इनके अगम्या जी गाजियाबाद से, अभिषा जी गाजियाबाद से, वो भी आ जाए जल्दी मंच में जाएं और प्रश्न करें। आ जाइए ऊपर, आ जाइए। वृति बहन शकुन दीदी, उनका सम्मान करके गुणातन गौरण को संबोधित करेंगी। हाँ, ये प्रामाणिक समूह की टीम में बहुत अच्छा काम कर रही है, और ये खुद भी बताएगी मैं क्या कर रही हूँ, काफी दिनों से काम कर रही है। एक बार इनका अभिवादन आप सबको कर देना चाहिए। अभी आप लोगों ने देखा कि बच्चों की पाठशाला भी चल रही है, उन सब में यही सारी टीम कर रही है। ऐसे लोगों को हमें जरूर प्रोत्साहित करना चाहिए। हाँ जल्दी सर, सवाल करिए। नमस्ते महाराज श्री। तैयार रहेंगे डॉक्टर श्रीमान पीके जैन सब सागर से। मेरी एक शंका है आपसे कि पाश्चात्य संस्कृति के इस युग में संस्कारों का अच्छे से बीजारोपण होने पर भी संगति का ज्यादा असर दिखाई देता है। महाराज श्री, यदि हम ज्यादा अपने बच्चों को आध्यात्मिक बनाते हैं तो इस कंपटीशन के युग में उनके फ्रेंड सर्किल में उनका हंसी या पिछड़ा उन्हें माना जाता है, और यदि उनको पाश्चात्य संस्कृति पाश्चात्य की तरफ हम उनको मोड़ते हैं तो हमारा जीवन, उनके जीवन मूल्यों का पतन होता है। तो इस समय एक अच्छी माँ की भांति हमें एक अच्छे गुरु और एक अच्छे मित्र दोनों को दोनों के रूप में होते हुए हम ट्रेडिशनल और पाश्चात दोनों को किस तरीके से समन्वय किया जाए कि उनको हम संबल दे सकें हर उसमें। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात आपने। एक बड़ा अहम प्रश्न है, यदि हम ज्यादा संस्कारों से प्रेरित कर दें तो उन्हें कई बार ऐसी विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, और संस्कारहीनता में पूरा जीवन ही खराब होता है। आपने पूछा हम क्या करें, हम उन्हें संस्कार भी दें और समझ भी दें। अगर कोई मॉडर्न बनता है तो मॉडर्न बनना बुरा नहीं है, आधुनिकता कतई बुरी नहीं है, बशर्ते उसके साथ मौलिकता जुड़ी हो। बच्चों को हम संस्कार दें, धार्मिकता का पाठ पढ़ाएं, पर उन्हें चीजें थोपे नहीं। बच्चे खुद में इतने जागरूक हो जाएं, उनके अंदर की समझ ऐसी विकसित कर दें कि यदि कोई ऐसी बात हो तो बच्चे उसका खुद उत्तर दे सके। मैं आपको बताता हूं, मेरे संपर्क का एक युवक जो आज IIT कर रहा है, बड़ा संस्कारित और आधुनिक भी, उसने कभी रात्रि भोजन नहीं किया, उसने जमीकंद नहीं खाया, IIT करते हुए भी उसने ये नहीं किया,
उसने बताया कि महाराज जब मेरे दोस्त मुझसे कहते हैं तो मैं उनसे ये कहता, देखो भाई सबकी अपनी अपनी लाइफ स्टाइल है, मुझे ये लाइफ स्टाइल अच्छी लगती है और मुझे इसमें अपने आप को ज़्यादा हेल्दी और फिट महसूस करता हूँ और ये पूरी तरह साइंटिफिक है। तुम लोगों को पसंद नहीं है, मैं तुम्हें छोपता नहीं, पर इन सब चीज़ों से कोई व्यक्ति आगे और कोई व्यक्ति पिछड़ा नहीं माना जाता। व्यक्ति का व्यक्तित्व गहरा होना चाहिए और उसने लोगों को बड़े तार्किक तरीके से समझाया, नॉन वेस्ट से लोगों को दूर किया, बहुत सारे लोगों को छुटा दिया। उसके साथ के दोस्तों को उससे एक प्रेरणा मिलने लगी कि नहीं, वाकई में ये जो बात करता है सो करता है। तो संस्कार दिए हैं कि संस्कार गढ़े हैं, इनमें बड़ा अंतर है। बेटा ये नहीं करना, बेटा ये नहीं करना चाहिए, हमें ये नहीं करना चाहिए, हम ये चीज़ें थोप देते हैं, फिर वो बड़ा पसोपेश में पड़ जाता है। लेकिन अगर उनके अंदर में हमने समझ जगा दी तो वो दस को समझाने में भी समर्थ हो सकता है। तो बच्चों को एकदम जटिल भी नहीं बनाना चाहिए, उनके अंदर खुद समझ, उनके मन में बात ही ना आए, विचार ही ना आए, ऐसा भाव जगाना चाहिए। और कभी ऐसी स्थिति आती भी है तो वो झेपेगा नहीं अपितु और गौरवान्वित महसूस करेगा क्योंकि हम अच्छा काम कर रहे हैं। पर जब वो अंदर से कमज़ोर होता है तो उसे झेप लगती, वो असहज स्थिति का अनुभव करने लगता है और कई बार फिर भटक भी जाता है। तो हमें इतना मजबूत बनाना चाहिए कि वो व्यक्ति कभी हिले भी नहीं, टस से मस ना हो, तो रास्ता प्रशस्त। आइए श्रीमान जी के जैन सब सागर से तैयार हैं, शिखा जैन पाटन जबलपुर से। नमोस्तु। हे मुनिश्री, महावीर स्वामी के समूह शरण में राजा श्रेणिक ने 60,000 प्रश्न किए थे, तो मैं भी ये चाहती हूँ कि आपका भी, आपने भी लगभग 60,000 प्रश्नों के उत्तर दे चुके होंगे और ना भी दी होंगे तो लगभग हो ही जाएगा, तो मैं भी चाहती हूँ कि आपका साक्षात समोषण लगे और वहाँ हम लोग बैठे। सवाल हो तो सवाल करो, गुणगान नहीं करो। है कोई सवाल? चलो, चलो। आगे शिखा जी उपस्थित हो और तैयार है। मुनिश्री, मेरा प्रश्न है कि आचार्य श्री ने एक मूक माटी में लिखा है, आधि व्याधि उपाधि समधि समाधि। समधि शब्द मुझे थोड़ा पावरफुल लगता है, लेकिन समधि शब्द हम इन चारों शब्दों में कैसे घटित करें? समता हो जाने का नाम ही समधि है, जो समधि हो गई तो आदि व्याधि उपाधि से ऊपर उठ जाएंगे। उपस्थित शिखा जी जैन जबलपुर से, तैयार हैं श्रीमान वरुण जी जैन मुंबई। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा सवाल यह है कि दान क्यों देना चाहिए और दान देने से कैसा और किस प्रकार का पुण्य मिलता है? क्योंकि दान तो कई प्रकार के होते हैं और दान गुप्त रूप से दिया जाता है या कि ना कि दिखाने के लिए दिया जाता है। बच्चे पूछते हैं दान क्यों दें, हम किसी और की मदद कर देते हैं मंदिर। देखिए, दान क्यों देते हैं? सबसे पहली बात, हमने धन कमाया, कोई भी धन कमाता है तो धन कमाने में बहुत कुछ उसे लगाना पड़ता है ना, मेहनत भी होता है और सूक्ष्म रूप से कोई पाप भी होता है। पाप यानी सटकाय जीवों की हिंसा तो होती है, तो वो पाप धन के साथ जो अर्जित हुआ है उसको हम कहाँ प्रच्छादित करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, जब धन कमाते हैं तो धन के प्रति आसक्ति बढ़ती है और धन का अभिमान भी बढ़ता है। अपने मन की आसक्ति को मिटाने के लिए, धन के प्रति जो आसक्ति उसे कम करने के लिए और अपने अभिमान को कम करने के लिए हमें दान देना चाहिए। दान देने से उदारता आती है, आसक्ति मिटती है, पाप मिटता है, अपनी आत्मा का हित होता है। तो जितनी तत्परता से कमाते हैं उतनी ही उदारता से दान देना भी चाहिए। उदारता से दान दीजिए, तब जीवन का संतुलन बनेगा और जीवन में कुछ अच्छा घटित किया जा सकेगा। अब रहा सवाल दान कहाँ दें, जहाँ जरूरत है वहाँ दें, स्व पर के उपकार के भाव से दान दें। और ये हमारी मानवता भी कहती है, आज हमारे पास सरप्लस है और कहीं उसकी आवश्यकता है
और हम उसे योगदान न दें तो ये हमारी कृपणता कहलाएगी, कंजूसी कहलाएगी। इसलिए उदारता के साथ दान देने में तत्परता बनाए रखना चाहिए। हाँ बोलो। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि आज मेरा उपनयन संस्कार हुआ है और मैं श्रावक बन गया हूँ, तो अब मैं ऐसा क्या करूँ कि मैं श्रावक बना रहूँ? देखिए, सबसे पहले बात तो इस बच्चे की सराहना करें, मुंबई में रहते हुए भी बहुत संस्कारी बच्चा, आज ये श्रावक धर्म को स्वीकार किया, अष्टमूल गुण को अंगीकार किया, खुद से आगे होकर। अब बस मैं इतना ही कहूँगा, अपनी प्रतिज्ञाओं में बंधे रहो और अपने जीवन का पथ